कॉमिक बुक्स पर बनने वाली फिल्में काफ़ी बड़ा बिजनेस करती है और मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि डिज्नी की मार्वल मूवीज़ और वार्नर ब्रदर्स की डीसी मूवीज़ दुनिया भर में कैसे और कितनी कमाई करती है। मतलब इनका लोहा पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। और ठीक है, क्या आपने कभी मतलब सोचा है कि चलो माना ठीक है कि पैसे कमा लेती है, पर इतने पैसे कैसे कमा लेती है? सुपर हीरो मूवीज़ इंडिया में भी बनती है, इंडिया में उतने तो कमाई नहीं। मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है इंडियन सुपर हीरो मूवीज़ में और हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज़ में? मतलब अभी उनकी फिल्में आती है, एवेंजर्स एंडगेम 2019 में, लोग अभी तक बात कर रहे हैं, इवन मैं भी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। पर वहीं बात करें बॉलीवुड के सुपर हीरो मूवीज़ की, तो उनको सालों महीनों तो छोड़ो, लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि कब थिएटर्स पे आई मूवी और कब थिएटर्स से चली गई। मतलब इतनी बात तो माननी पड़ेगी हमें कि उनकी मूवीज़ मेमोरेबल रहती है, यानी कि 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, हमें उनकी मूवीज़ का नाम और उनके एक्टर्स याद होते हैं। तो यार अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई उनके वहाँ पे टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पे भी किया जाता है और मेरा चैनल इसका अच्छा खासा एग्जांपल है। तो दूसरी बात, फिर कहोगे कि यार उनके एक्टर कमाल के होते हैं, हमारे पास भी एक्टर कमाल के हैं, उनके पास टेक्नीशियन कमाल के होते हैं, हमारे पास भी टेक्नीशियन कमाल के हैं। ठीक है, तब ऐसी क्या बात हो रही है कि वहाँ पर उनकी फिल्में इतने अच्छे परफॉर्म कर रही है हमारे कंट्रीज़ में? तो अब कुछ लोग कहेंगे कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे से प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, उनके एक्टर्स पहले से ही बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लोगों के दिमाग में छप चुके हैं, तो एक ये रीज़न हो सकता है। तो अब मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहूँगा कि भाई मेरे हिसाब से फिल्म चलाती है कॉन्टेंट, ना कि एक्टर। ठीक है, आरडीजे की एंड गेम के बाद मिस्टर डोलिटल आई और वो फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट वीक था। मैं भले ही वो नॉवल पे बेस्ड हो, बट मैं खुल के कह सकता हूँ कि उस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले काफ़ी वीक लगी मुझे। मैंने मूवी देखी और मतलब मूवी ठीक ही है। तो डॉक्टर डोलिटल मैंने काफ़ी टाइम पहले देखी थी और मुझे आज तक याद नहीं है कि उस मूवी की एक प्रॉपर स्टोरी क्या है। और यहाँ पे हाँ, मुझे बस इतना याद है कि उस फिल्म में टॉम हॉलैंड और रॉबर्ट डोनी जूनियर का केमिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा सही बैठ गया था, इस वजह से वो मूवी थोड़ी बहुत मेमोरेबल है। पर एंड गेम की बात ही कुछ और है, उसका स्क्रीन प्ले, उसकी राइटिंग इतनी कड़क है, इतनी मतलब परफेक्ट तरीके से की गई है कि इवन आज तक हमें याद है कि फ़िल्म के एंडिंग क्या है, फ़िल्म की स्टोरी क्या है। तो मतलब ऐसा क्या है उनकी फिल्मों में जो हमारे सुपर हीरो फिल्मों में नहीं होता? भाई उनके वहाँ पे बजट है, हमारे पास भी बजट है। यहाँ पे रावण का जितना एक सूट में जितना बजट लगता है, उतने में रावण जैसी 10 फिल्में बन जाती हैं। तो बजट भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप लोग बोलेगा तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे हिसाब से अडाप्टेशन हमारे यहाँ का प्रॉब्लम है। जी हाँ, अडाप्टेशन। हमारे यहाँ अडाप्टेशन बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। हमारे यहाँ अडाप्टेशन के बदले रीमेक्स किए जाते हैं, जो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, अडाप्टेशन। हे गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एंटरटेनमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया में कॉमिक बुक के अडाप्टेशन नहीं बनाए जाते और क्यों बनाने चाहिए। तो इस छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम कहाँ पर थे? अडाप्टेशंस पर। ठीक है, तो देखो मुद्दा ये है कि एक्चुअल में अडाप्टेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी इमेजिन करो कि मतलब एक हिसाब से मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और जो मार्वल की जो मूवीज़ हैं जो सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले आया करती थी, वो भी एक अडाप्टेशन है कॉमिक बुक का। अब वैसे ही डीसी मूवीज़ में भी वही देखने को मिलता है। DCEU जो कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स है, डिटेक्टिव कॉमिक एक्सटेंडेड यूनिवर्स, वो भी कॉमिक बुक पर बेस्ड है और उस पर भी मतलब अच्छे खासे मूवीज़ बनाई जाती हैं, वो भी कॉमिक बुक पर बेस्ड होती हैं। और बहुत सारी कॉमिक बुक कंपनीज़ लड़ रही हैं अपने अडाप्टेशंस को बनाने के लिए। तो वहीं पर हमारे इंडिया में अडाप्टेशन क्यों नहीं बनाए जाते? बिकॉज़ हमारे पास एक अच्छा सोर्स ऑफ कंटेंट नहीं है। जी हाँ, मार्वल मूवीज़ चल जाती हैं क्योंकि उनका जो स्टोरी होता है ना, उनका थोड़ा बहुत प्रिवाइज पहले से ही कॉमिक बुक में दिया होता है। वो क्या करते हैं, अपने कॉमिक बुक्स की स्टोरी को काफ़ी मॉडिफाई करते हैं मॉडर्न टाइम से रिलेटेड, तो जाके वो काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। वहीं पर हमारे पास एक अच्छा सोर्स ऑफ कॉन्टेंट की कमी मुझे लगता है कॉमिक बुक इंडस्ट्री में है, जिस पर कोई भी बात नहीं करना। और एक आपको छोटा सा रिमाइंडर याद दिला दूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो अगर आपको इस प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, जिसमें मैंने काफ़ी मतलब पॉइंट वाइज मैंने बताया कि एक्चुअल में अपन क्या गलती कर रहे हैं और अपन क्या सुधारना चाहिए अपने को, जिस हिसाब से अपने कॉमिक बुक इंडस्ट्री और सुपर हीरो मूवीज़ का जो जॉनरा है, इंडियन सुपर हीरो मूवीज़ और इंडियन कॉमिक्स, ये एक दोनों तरीके से एक लिंक्ड हो सके और हमें भी राज कॉमिक्स के और बहुत सारे कॉमिक बुक जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुद्दा है मटेरियल का। तो अब इसको ना इस हिसाब से समझो। तो जैसे कि साल 2016 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था ए फ्लाइंग जेट। बताया कि फ़िल्म में जो उनका जो काम था वो काफ़ी कम सा काम था और इसके बाद जो भी फिल्म में ऐड किया गया वो सब डायरेक्टर की डिमांड थी। यानी कि फ़िल्म की कहानी को जब प्री प्रोडक्शन फिल्म में चली गई, जब फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज पर थी उस वक्त फ़िल्म की कहानी को काफ़ी बार बदला गया और तब जाकर ये फ़िल्म इस तरीके से फ़िल्म का ये हाल किया गया। अब ज़रा सा सोचो, अगर रेमो डिसूज़ा ने ए फ्लाइंग जेट की कहानी एज एन फिल्म नहीं बल्कि एज एन कॉमिक बुक लिखी जाती तो शायद कितना अच्छा हो सकता था। अब ए फ्लाइंग जेट मूवी में हर एक थीम पर, यानी कि हर एक जो फील्ड होता है उस हर एक फील्ड में इस मूवी ने हम सभी को काफ़ी निराश किया है। क्यों? खुद जाकर देख लो भाई, आई गारंटेड आप 15 मिनट से ज़्यादा इस फिल्म को आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं समझता हूँ यार ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर थी। अब यहाँ पर ए फ्लाइंग जेट वाले फैंस ऑफेंस मत हो जाना। अगर रेमो डिसूज़ा सर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि ए फ्लाइंग जेट पर पहले एक किताब बनाई जाए और उस कहानी पर नए सिरे से काम किया जाए। अगर ऐसा होता है और वो किताब अगर दर्शकों पर, पाठकों पर अच्छा छाप छोड़ जाती है तो उस कहानी को आगे चल के फिल्म या वेब सीरीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि फ़िल्म के फ्लॉप होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। और इस फिल्म को बनाया था सॉरी मेरे को कंपनी का नाम याद नहीं है, मैं कर लेता हूँ ज़रा रिसर्च। अच्छा, तो इस फिल्म को बनाया था बालाजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने। तो उस कंपनी को मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि भाई अपनी कहानियों को एक स्तर में बनाओ, मतलब एक कहानियों का एक फील्ड बना लो, मतलब ऐसा कुछ भी टट्टी मत करो, ठीक है। और अगर आपको तुमको बनाना ही है ना तो आप लोग क्या कर सकते हो, राज कॉमिक्स या इसके भी अलावा जितने भी कॉमिक बुक ब्रांड हैं इंडिया में उन सब की कहानी को अडाप्ट करने की कोशिश करो। इससे होगा क्या कि तुम्हारी कहानी में वैरायटी आएगी और काफ़ी सारे चेंजेस भी देखें। अब यहाँ पर बात सिर्फ सुपर हीरो जॉनरा की नहीं हो रही, कॉमिक्स में कई सारे जॉनरास होते हैं जैसे कि अभी मतलब बॉलीवुड 100 साल से भी लगा हुआ है और उसने प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी जैसे वाले जॉनरा में भी काम किया है जिसमें वो नाकामयाब हुआ है। और मैं क्लियरली कह सकता हूँ नाकामयाब हुआ है और मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत भी नहीं है यार, क्योंकि फेलियर्स ही तो हैं जो हमें आगे उठने की हिम्मत देते हैं। तो मेरे हिसाब से ना बॉलीवुड में कुछ चेंजेस होने चाहिए जिस वजह से आगे जाके काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट हमारे सामने देखने को मिले और हम भी अच्छे से अप्रिशिएट। तो यार मेरी तो पहली शिकायत बॉलीवुड से ये है कि अपने कहानियों में थोड़ा वैरायटी लाओ, ठीक है। सिर्फ प्यार मोहब्बत की कहानी अब हम बोर हो चुके हैं, अब हमें कुछ नया देखना है, ठीक है। हम यहाँ पे डेयरडेविल, पनिशर ऐसे सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें एकदम एपिक लेवल का स्टोरी टेलिंग दिखाया जा रहा है। तो आप लोगों को भी अपने कॉन्टेंट में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि फिर सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, बॉलीवुड को छोड़ के सब हॉलीवुड को सपोर्ट करने लगेंगे। और करने लगेंगे क्या, ऑलरेडी कर रहे हैं, वैसे भी बॉलीवुड कुछ ही लोगों के दम पे टिका है। तो मेरी डिमांड बॉलीवुड से यह है कि वो कॉमिक बुक की कहानियों को अपने फिल्म या फिर वेब सीरीज़ में प्रमोट करे या यूज़ करे। इससे होगा क्या, वैरायटी ऑफ स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी। और हाँ, इस पर फिल्म बनाओ या वेब सीरीज़, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस कॉमिक बुक की कहानियों को इस्तेमाल करो। और बॉलीवुड से मेरी दूसरी शिकायत ये है कि वो बॉलीवुड फिल्म के सीक्वल में सिर्फ टाइटल में 2 और 3 लगाने से वो फिल्म का सीक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये टाइटल में 2 लगा के कहानी पूरी तरीके से चेंज कर देना, ये हरकतें बंद करो, ठीक है। मतलब ये नहीं चलेगा अब, ठीक है। अब मैं ऐसी फिल्में सपोर्ट नहीं करूँगा जिसके टाइटल में ही सिर्फ 2 और 3 हो और कहानी पूरी तरीके से बदली हुई हो। तो ऐसा मत करो, अगर किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखा सकते हो पहली मूवी से तो ही उस फिल्म का सीक्वल। तो ये कुछ बातें थी जो मैं बॉलीवुड को लेके सोचता हूँ और ये बातें मैं आपसे भी करना चाहता था ताकि मैं आपके विचार जान सकूँ। तो अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और चैनल पर आए गए वो वीडियो एंजॉय कर ही लिए तो आगे भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जो भी होता है वो कर देना, बस हो जाना चाहिए। ऐसा नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर देना क्योंकि इस चैनल पर मैं मोस्ट ऑफली सुपर हीरो कॉन्टेंट लाता हूँ। ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट थी, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी, तो इस वीडियो का लेस परफॉर्मेंस देख के इस वीडियो को बीच में ही छोड़ के मत चले जाना, ठीक है। एंड तक देखो, पूरी वीडियो देखो, ख़त्म करो, अभी भी पूरी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद सोशल मीडिया के लिंक दुनिया ज़माने में जो भी है सब है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और हाँ, जो टैलेंट है उसको सपोर्ट करो, बस मैं यही कहना चाहूँगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आओ ज़रा बात करते हैं, ज़रा इंस्टाग्राम पे भी मिलता है तुमसे, है ना। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आओ बात करें ज़रा। अब अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो मेरे चैनल पे 200 से भी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि इसी कैटेगरी की हैं, तो आपको पसंद आएगी, ज़रा चेकआउट कर लेना। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, जय हिंद।